गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया कि जनपद में किसी व्यक्ति को कोई भी बीमारी से दिक्कत हो रहा है या काफी समय से इलाज चल रहा है, ऐसे लोगों की सूची तैयार किया जा रहा है जिससे उन लोगों का समय से उपचार कराने में मदद किया जा सके। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने जनपद वासियों और नर्सिंग होम, पैथोलॉजी सेंटर, फार्मेसी दुकान, सरकारी हॉस्पिटल के लोगों से कहा कि वे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज में कोई दिक्कत आ रहा हो तो कृपया upchar.vcaregorakhpur.in लिंक पर जाकर के अपनी समस्या लिखें जिससे आपके उपचार में मदद की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने कहा, देखिए एक छोटी सी ऐप है, लिंक हम लोग डेवलप किए हैं गोरखपुर में, खासतौर पे जो लोग व्यक्ति काफ़ी लंबे समय से सांस से संबंधित बीमारी है, श्वास से संबंधित, मान लीजिए किसी का निमोनिया है, किसी के किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, लंबे समय से डायबिटीज़ है, हृदय का बीमारी है, ये सभी लोग इसी पे रजिस्टर करा लें। ये आपको भले के लिए है, इसलिए है ताकि इस समय में जो हॉस्पिटल है, हम लोग ये जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के अंदर का जो हॉस्पिटल है उसके इम्पैनल किए हैं, किसी की इलेक्टिव सर्जरी करना है, किसी का ऑपरेशन करना है, किसी को उपचार करना है, उसी के हम पहले ही हम लोग वरीयता के रूप से उन लोग दे करके सही कराएंगे। दूसरा, इस समय में जो कोविड बीमारी है ये इसी टाइप का लोग का काफ़ी प्रभावित करता है। अभी हम लोग के कितने केसेस मिली है, जो दिल्ली से 2 केस मिली है, वो सभी लोग इसी टाइप का केस है। खासतौर पर किसी का लंबे समय से हृदय का इलाज चल रहा था किसी अस्पताल में, किसी के काफ़ी समय से लीवर का इलाज चल रहा था, इसी टाइप के लोग कहीं ना कहीं उन लोग का बीमारी होने के वजह और कमज़ोर होने के वजह इन्हीं लोग का ज़्यादा प्रभाव करता है। इसलिए इन लोगों का हम अनिवार्य तौर से सभी को जांच कराएंगे। ये अपने अपने पता विवरण सारे हमारा ये साइट पे, उपचार साइट पे फीड कर दें, इसके बाद हमारा टीम आएगा आपको तो पूरा मेडिकल जांच कराएंगे, आपका कोविड का भी चेक कराएंगे, उसके बाद आपका कहाँ उपचार होना है उसे हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, उपचार भी करेंगे। ये काफ़ी फ़ायदेमंद ऐप है, ये आपके भले के लिए है। मैं निवेदन करता हूँ सभी लोग उसके इस्तेमाल करें और हमें डेटाबेस बनाने में सहयोग करें।